हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। तो आज एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उसको ध्यान से देखना और सभी पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिखते जाना और ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो गुप्त काल के बारे में जानने के साक्ष्य, गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके जो भी साक्ष्य हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे अपन लोगों ने मौर्यत्तर काल के बारे में जानने के लिए भी हमारे पास दो तरीके के साक्ष्य थे, अभिलेखीय साक्ष्य थे और साहित्यिक साक्ष्य थे। ऐसे ही जो गुप्त काल है उसको जानने के लिए भी दो तरीके के ही हमें एविडेंस मिलते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य और साहित्यिक पुराण। ठीक है, तो ये पुराण जो थे इनसे हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है गुप्त काल में, क्योंकि जो ज्यादातर पुराण है वो गुप्त काल में ही लिखे गए हैं। ओके, और जो ये अभिलेखीय साक्ष्य होते हैं तो इनसे तो हमें पता चलता ही है, और ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो साहित्यिक पुराण कौन कौन से थे, जैसे आपके विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं ब्राह्मण पुराण, है ना। और जैसे कुछ पुस्तकें लिखी गई उसके अलावा, जैसे देवी चंद्र गुप्तम विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई और कालिदास की रचनाएं, ये सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी जो लिटरेचर है उससे हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में। इसके बाद अभिलेखीय साक्ष्य में, जैसे देखिए आप समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, है ना, कुमारगुप्त की विल्सड अभिलेख और आपका स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र, तो इन सबसे हमें काफी सारी जानकारी मिलती है और ये सारी अपन लोग आगे एक के बाद एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा जो साहित्य रचनाएं हैं उनमें जो विदेशी यात्री आए थे इन लोगों ने भी बहुत सारी बातें लिखी थी गुप्त काल के बारे में, तो उनमें जो है फाहयान और ह्वेनसांग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कब किसके काल में आए फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, जब ये लोग इंडिया आए थे आपके फाहयान और ह्वेनसांग, तब कौन राजा था, किस टाइम में आए, किस सदी में आए, ये सारे जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है गुप्त थे कौन, है ना। गुप्त मतलब आज के टाइम तो गुप्ता वैश्य है ना, लेकिन ये इसमें जो है कंफ्यूजन है कि जो गुप्त थे ये वैश्य लोग थे या ब्राह्मण। तो दो इसमें बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो दोनों के पक्ष रखते हैं। ठीक है, तो जो वैश्य होने के पक्ष में जो तर्क रखते हैं वो रोमिला थापर और राम शरण शर्मा। तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि ये जो गुप्त थे ये एक ये लोग वैश्य जाति से संबंधित थे। इसका कारण क्या है कि जो स्मृतियों के अनुसार नाम के पीछे गुप्त उत्तरांश लगाना वैश्यों की एक विशेषता है। ठीक है, तो गुप्त वैश्यों का एक गोत्र भी है। इसका कारण यह भी माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम केवल गुप्त प्राप्त होता है, श्री आदर भाव से जोड़ा गया उपसर्ग है। इस प्रकार गुप्त वंश के का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना गया है, संस्थापक श्रीगुप्त को माना गया है। पर आगे भी मैं बताऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें फंसती हैं, क्योंकि जो है श्रीगुप्त के बारे में हमें सिर्फ महाराजा मिला है। ठीक है, जबकि ये महाराजा उस समय जो सामंत हुआ करते थे ना, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो उसमें जो स्टेट्स होते थे, है ना, रियासतें, तो उनके जो राजा को महाराजा बोला जाता था। तो इसलिए संस्थापक गुप्त वंश का श्रीगुप्त को बोलते हैं, मगर जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, तो वो हम अभी आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मण होने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, राम चौधरी कहते हैं कि जो गुप्त थे वो ब्राह्मण वंशी थे। रीजन उन्होंने क्या दिया है, जो पुष्यमित्र शुंग, ये जो राजा थे शुंग डायनेस्टी के, पुष्यमित्र शुंग, तो इन्होंने षट महिषी धारणी में गुप्त गोत्र को ब्राह्मण वंशी बताया है। इसका कारण, एक कारण गुप्त शासकों के द्वारा अपनी पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों के साथ किया जाना है। जो गुप्त शासक थे उन्होंने ज्यादातर अपनी पुत्रियों के विवाह जो है ब्राह्मण राजाओं से किए थे। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त, तो प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक द्वितीय से किया गया था, और भानुगुप्त ने अपनी बहनों का विवाह भी ब्राह्मणों से किया था। क्योंकि गुप्त काल था मौर्यत्तर काल में जाति प्रथा प्रबल थी और अंतर जातीय विवाह अमान्य था। ठीक है, इस प्रकार गुप्तों की पुत्रियों को ब्राह्मणों से विवाह उन्हें ब्राह्मण वंशी मानने को प्रेरित करते हैं, परंतु उस समय अनुलोम विवाह की परंपरा थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं मौर्यत्तर काल के समाज के बारे में बता रहा था, उसमें बताया था मैंने कि अनुलोम विवाह की प्रक्रिया थी उस समय। तो उसमें क्या होता था कि उच्च वंश का वर हो सकता था और निम्न वंश की कन्या है, तो उनकी जो शादी होती थी उसको स्वीकार किया जाता था। तो इस तरह, तो मतलब यहां पर देखा जाए तो ये चीज
इस तथ्य को और उलझा देती है, क्योंकि वैश्य वर्ग जो था वो निम्न वर्ग में आता था ब्राह्मण वर्ग की तुलना में, इसलिए फिर ये जो विवाह हो गया ये अनुलोम विवाह हो गया। तो इसलिए इसके कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि गुप्त थे कौन, ये ब्राह्मण वंशी थे या गुप्त जो है वैश्य थे। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन चलती रहती है, तमाम सारे इतिहासकार अपना अपना मत देते रहते हैं। अब देखो, अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी जो एग्जाम पूछी जाएंगी। गुप्त वंशीय शासक एक एक करके पढ़ेंगे। श्रीगुप्त, ठीक है, प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख। देखो यहां पे ही एक प्रश्न है कि ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ पर मिला था, पूना में मिला था, और प्रभावती गुप्ता के द्वारा इसको बनवाया गया था। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज आदि पुरुष माना गया है, ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। अतः गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय श्रीगुप्त को प्राप्त है, ठीक है। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, ओके। इसके बाद जो श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच गुप्त, ओके, यह श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं माना गया है, क्योंकि इन दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, और उस समय महाराजा की उपाधि सामंतों को प्राप्त होती थी, तथा पूर्ण स्वतंत्र शासक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। समझ गए ना, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र शासक होते थे, जिनका पूरे क्षेत्र पर एक, जो जैसे अपने आज के टाइम में सेंट्रल में पीएम होता है और जो स्टेट्स हैं उनका सीएम, ठीक है। तो ऐसी जो है, जो उस समय पूरे देश पे जिसका अधिकार होता था वो था महाराजाधिराज, और उनके अंदर जो रियासतें बटी थी छोटे छोटे स्टेट्स में, उसका जो रूलर होता था वो होता था महाराज, ठीक है। तो चूंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, इसी कारण चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से लेके 334 ईस्वी, यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, याद रखिएगा। इसने गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे वीडियोस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार देखिए उतनी बार आपको चीजें ज्यादा रिकॉल होती रहेंगी, ओके। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ऑल पॉइंट्स आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद आगे देखिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 ईस्वी तक ये जो है राजा रहे थे। तो और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो अगर आपसे ये पूछा जाए हु वॉज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आप आंसर कर दोगे विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन किसे कहा है? समुद्रगुप्त को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उपाधियां हैं, ये जो गुप्ता वंश के राजा थे ये लोग अपनी कई सारी उपाधियां रखा करते थे, और ये हमें एग्जाम में अक्सर परेशान करती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए पिछले सालों में इनकी उपाधियों से लेकर, ये उपाधि किसकी थी, किस राजा की उपाधि थी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पराक्रमांक, पराक्रमांक अपृतृत व्याघ्र पराक्रम, ओके। तो ये किसकी उपाधियां थी? समुद्रगुप्त की। पराक्रमांक अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम, ये याद रखना, तो ये पूछी जाएंगी। समुद्रगुप्त का विजय अभियान देख लीजिए, पांच स्टेजेस थे इसके विजय अभियान के। पहले अभियान में जो पहला स्टेज था, पहला चरण, उसमें इसने कौन कौन से राज्यों को जीता था वो देखिए, अहिच्छत्र, चंपावती एवं विदिशा सहित उत्तर भारत के 9 राज्य थे जिनको इसने जीता था, और यह आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण कहलाया, ठीक है। आर्यवर्त राज प्रसभोद्धरण, ये याद रखना, आर्यवर्त राज्य प्रसभोद्धरण, ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त के पहले विजय अभियान को आर्यवर्त राज्य प्रसभोद्धरण कहते हैं, ठीक है। द्वितीय चरण जो था, सेकेंड स्टेज था, उसमें इसने पंजाब को जीता और सीमावर्ती राज्य एवं नेपाल को भी अपने अंडर ले लिया। तृतीय चरण जो था उसमें विंध्य क्षेत्र पर कब्जा किया। चतुर्थ चरण में पल्लव, कोसल, कुट्टूर, महाकांतर, कांची, वेंगी आदि सहित कुल 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करी, और दक्षिण भारत पर यह विजय धर्म विजय कहलाई,
ठीक है। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चरण में उसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी थी, तो वो याद रखिएगा चतुर्थ चरण पर, और इसे कहा गया धर्म विजय। पांचवा जो चरण था उसमें उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट भारत के कुछ विदेशी राज्यों पर विजय प्राप्त करी इसने। तो 5 स्टेजेस थी समुद्रगुप्त की। विजय अभियान को पूरा करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी, ठीक है, यह भी याद रखना, चौथी उपाधि हो गई इसकी। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनके और भी क्या नाम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और देवगुप्त, सारे इनके नाम थे। उपाधियां कौन कौन सी हैं, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये सारी याद रखना, ठीक है। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत किसकी उपाधियां हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की। और अन्य नाम कौन से थे, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। देव दिख जाए कहीं पे तो समझ जाना ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है। के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन थी इसके साम्राज्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप रुद्र सिंह थर्ड को, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए और शकारी की उपाधि धारण करी थी। तो शकारी की उपाधि किसने धारण करी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, यही था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत की स्थापना की थी, वेरी गुड। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान भारत की यात्रा पर आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय जब भारत में आया था तब राजा कौन था, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फाहयान जब भारत की यात्रा पर आया था तो वहां पर किंग कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, इसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार 9 रत्न थे। ये 9 रत्न कौन कौन से हैं ये आप देख लो। एक तो आपके धन्वंतरी, चिकित्सा क्षेत्र में इन्होंने काम किया, धन्वंतरी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। घाट खरपर कवि थे, कालिदास लेखक थे, वारह मिहिर खगोल शास्त्री थे, अमर सिंह ये कवि थे, ठीक है, और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत विद्वान थे जो बहुत सारे जो शब्द नहीं ऐड करते हैं संस्कृत में, उन्होंने इसमें बहुत काम किया है। देन कक्षपनक ये ज्योतिष थे, वररुचि ये संस्कृत व्याकरण में से संबंधित के विद्वान थे, बेताल भट्ट ये मंत्र शास्त्र के विद्वान थे, और शंकु शिल्प शास्त्र के विद्वान थे। देखो ये 9 के 9 याद कर लो, रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। अभी कुमारदित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और उत्तराधिकारी था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। इसकी उपाधियां क्या है, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, गुप्त कुल व्योम शशि और अश्वमेध महेंद्र, ये सारे जो है ये सारी उपाधियां हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुण के स्थान पर मयूर आकृति अंकित है, ये याद रखना, कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुण की जगह मयूर आकृति अंकित है, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। ओके, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा पूछा जाएगा कि किस राजा के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है, तो वो थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन राजा बने, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी, क्रमादित्य, क्रमादित्य, और अन्य नाम क्या था, देवराय, ठीक है। तो इसके शासनकाल में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था जिसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया। तो जो पहला हूण आक्रमण हुआ था भारत पर वो किसके शासनकाल में हुआ था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी से पूछा गया है, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था, भगा दिया था। स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में स्थानांतरित करी थी। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अयोध्या में किस राजा ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी, स्कंदगुप्त ने, ठीक
स्कंदगुप्त के बाद कौन कौन से राजा बने वो उत्तराधिकारी देखती है, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, इसके बाद बुद्धगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त और फिर भानुगुप्त। ठीक है, तो भानुगुप्त के बारे में देखेंगे। तो भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एरण अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। भानुगुप्त का मित्र गोपराज हूणों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा गोपराज की पत्नी आग में जलकर सती हो गई। ठीक है, तो ये जो है एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेख ही साक्ष्य मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि कौन से अभिलेख में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, वो मिलता है एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख किस राजा से संबंधित है, भानुगुप्त में, भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद विष्णुगुप्त तृतीय, ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त तृतीय। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, देखो, अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, और जो स्टार्टिंग के राजा थे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके जैसे ये लोग कुशल नहीं थे। ठीक है, ताकतवर नहीं थे। इसके बाद जो इनकी शासन व्यवस्था थी तो उसका विकेंद्रित रूप था, है ना। सेंट्रल में एक पावर होती थी महाराजा अधिराज, बाकी जो है रियासतें बटी होती थी। तो जो है शासन व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर था, उसका जो स्वरूप था, वो एक बहुत बड़ा कारण बना इसके गुप्त साम्राज्य के पतन का। इसके बाद उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर ना होकर आनुवंशिक हो चुकी थी, मतलब जो मंत्री मंत्री थे उन्हीं के बच्चे मंत्री मंत्री बनने लग गए थे, तो आनुवंशिकता आ चुकी थी। योग्यता पर ध्यान अब नहीं दिया जाता था उच्च पदों पर, तो ये सब होगा तो फिर उस साम्राज्य का पतन तो हो ही जाएगा। प्रांतीय शासकों को विशेष अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, और बाहरी जो हूणों के आक्रमण हुए थे उसने भी गुप्त साम्राज्य को काफी चोट पहुंचाई थी, और धीरे धीरे वो उसको उन्होंने उसको कमजोर कर दिया। ठीक है, इसके बाद गुप्तकालीन प्रशासन देखेंगे। राजत्व का दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत लोकप्रिय हो चुका था, है ना। जो बाहरी राजा आए थे आपके, इंडो ग्रीक आए थे, है ना, कुषाण आए थे, है ना, शक जो आए थे, तो ये लोग अपने साथ इस सिद्धांत को भी लेकर आए थे, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। तो अब ये बहुत लोकप्रिय हो चुका था और इसमें मान्यता बहुत हो चुकी थी। राजपद वंशानुगत था, परंतु ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रभाव का प्रथा का अभाव था। मतलब राजपद तो वंशानुगत था, राजा जो बनेगा वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा वाला बनेगा नहीं बनेगा इसका अभाव था, है ना, कि नहीं जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। इसके बाद गुप्तकाल प्रशासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित था अथवा संघात्मक था। ठीक है, तो प्रमाण क्या है, सामंतों और प्रांत अधिकारियों को प्राप्त विशेष अधिकार इसके प्रमाण है। राजा न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था, परंतु विधि निर्माण का अधिकार सीमित था। ठीक है ना, राजा न्याय व्यवस्था का प्रधान था पर विधि निर्माण का अधिकार सीमित था। फिर जो केंद्रीय प्रशासन और जो प्रांतीय प्रशासन था उसका स्वरूप देखेंगे, तो इसमें जो राजा था वो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, पूरा जो इनका प्रशासन था उसका सर्वोच्च अधिकारी था राजा। ठीक है, और ये क्या करता था, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य प्रधान है, और विधि निर्माण का अधिकार नहीं था इनको पास। ठीक है, कार्यपालिका इनके अंडर थी, न्यायपालिका इनके अंडर थी, सैन्य पूरी जो सेना थी वो इनके अंडर थी, पर विधि का निर्माण का अधिकार नहीं था। या राष्ट्र प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, और इसका जो प्रमुख था वो था गोप्ता। ठीक है, राष्ट्र या देश का जो प्रमुख है वो होता था गोप्ता। ठीक है, देश को किसमें बांटा गया था, मुक्तियों में। ठीक है, ये आपके जो प्रांत है उनको मुक्ति बोलते थे। ठीक है, जो स्टेट्स हैं उनको मुक्ति बोला जाता था, और यहां पर कुमार मात्याओं को नियुक्त किया जाता था। ओके, कुमार मात्याओं को नियुक्त किया, जो राजकुमार होते थे उनको, और यहां उपरिक नामक अधिकारी होता था। ठीक है, उपरिक। प्रांत का विभाजन फिर किसमें किया गया, ये जो है जिलों में, जो हम लोग आज जिला बोलते हैं इसको ये लोग विषय बोलते थे। ठीक है, तो मुक्ति का विभाजन किया गया विषय में। ठीक है, इसका सर्वोच्च अधिकारी विषयपति था। ठीक है, विषयपति की सहायता श्रेष्ठी, शार्थ, वाह, कुलिक या कायस्थ करते थे, ये जो आपके प्रशासन में अधिकारी होंगे। ठीक है, इसके बाद विषय का जो है डिवीजन किया गया विधि में, जो तहसील, जिला का आजकल देखते हो तहसीलों में बटी होती है, ऐसे ही विषय जो थी उसको विधि, विधि भी आपकी तहसील होती थी। ठीक है, इसके बाद जो विधि है उसको बांटा गया पेट, पेट विधि से छोटी इकाई थी, गांवों का संघ था। ठीक है, जो विलेजेस थे उन कुछ विलेज को मिला के जो एक संघ बनता था उसको बोलते थे पेट। ठीक है, और कुछ पेट मिला के फिर बनती थी विधि। ठीक है,
इसके बाद जो है सबसे नीचे जो इकाई थी वो थी गांव। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, और इसका जो प्रधान होता था उसे मुखिया बोला जाता था, या महत्तर बोला जाता था, या ग्राम वृद्ध होता था। ठीक है, तो आप देख लो सबसे नीचे ग्राम, ग्राम को मिलाकर बन गया पेट, पेट को मिला के बना विधि, विधि को मिलाया तो बना विषय, विषय से मुक्ति और मुक्ति से देश। ठीक है, इसके बाद गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। महाबलाधिकृत, ये किसे बोला जाता था? सेनापति को, जो सेनापति होते थे उनको बोला जाता था महाबलाधिकृत। न्यायाधीश को बोला जाता था महादंड नायक, जो न्यायाधीश थे उनको बोला जाता था महादंड नायक। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो था उसको बोला जाता था दंडपाशिक। ठीक है, इसके बाद जो है युद्ध तथा संधि से संबंधित विदेश मंत्री, उनको बोला जाता था संधि विग्रहित। ठीक है, विदेश मंत्री जो ये सब चीजों पे अपने राय देते थे और निर्णय करते थे। शिक्षा और धार्मिक मामलों का जो प्रधान होता था वो विनय स्थिति। ठीक है, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वो था महाअक्ष पटलिक। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाअक्ष पटलिक। गुप्तचर विभाग का जो प्रधान था वो था चौरोदर निक। ठीक है, गुप्तचर विभाग का प्रधान था चौरोदर निक। इसके अलावा अग्रहारिक किसे बोला जाता था? दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक। इसके बाद राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी था महामंडाधिकृत। महामंडाधिकृत ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। महाबलाधिकृत सेनापति, महादंड नायक न्यायाधीश, दंडपाशिक जो पुलिस का हेड है वो, अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान, महामंडाधिकृत राजकीय कोष का प्रधान, संधि विग्रहित ये जो है संधिया वगैरह करते थे आसपास के राज्यों से, विदेश मंत्री हो गया आपके, विनय स्थिति कौन? शिक्षा एवं धार्मिक मामले। महाअक्ष पटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, और चौरोदर निक कौन थे? गुप्तचर विभाग का प्रधान। ठीक है, तो ये जो सब कुछ था ये आपका गुप्ता से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट था सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इस वीडियो को पढ़ लेना, इसके आपके घटना चक्र में गुप्ता वंश से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन आए हैं आप करके देखना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर दो चार पांच क्वेश्चन बचते हैं, कहीं से बच छूट जाते हैं, तो उनको भी आप अलग से अपने नोट्स में लिख लेना, और आपका पूरा अच्छे से गुप्ताज कंप्लीट कवर करा दिया मैंने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।